दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताना हूँ कि अगर आपका फ़ोन अच्छा, मतलब आपका फ़ोन थोड़ा नहीं क्या बजट लेवल में हो और उसमें कैमरे की फीचर्स अच्छी नहीं आ रही हो, कैमरा क्वालिटी अच्छी दिख रही हो और उतना कैप्चर होने में आ नहीं रही हो, जैसे कि ब्लर हो जा रहा है कैप्चर के बाद, आपका सिस्टम जो चिप रहता है सिस्टम ऑन चिप नहीं क्या, वो प्रोसेसर वो उतना लोड उठा नहीं पा रहा है, अच्छे से फ़ोटो क्लिक नहीं कर पा रहा है, जो फ़ोटो दिख रही है वो नहीं आ रही है, जो फ़ोटो मतलब वो कुछ बोलता है ख़राबी फ़ोटो आ जाता है उसमें, तो आपको कभी कभी तो आप अपसेट हो जाते रहेंगे इस क्वालिटी की वजह से। तो उस इमेज की रेजोल्यूशन को मैं बनाए रखने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो आपको करना क्या है कि पूरा वीडियो देखिए ये, और मेरे बताए गए ट्रिक पे ये करने से आपको जो फोटो रेजोल्यूशन में दिखेगी वैसी सेम टू सेम डिटो फोटो ही कॉपी हो जाएगी, आपके फ़ोन के कैमरे से ली जाएगी, उतनी बेस्ट फोटो आएगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो जी दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है आपको कि ये आपको आईलैंड नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ले लेना है। मैंने इसका वीडियो पहले ही बनाया था, अगर नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के आखिरी में उसका लिंक दे देता हूँ, उसका पोस्ट दे देता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी वहीं से, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि ट्रिक को शुरुआत करने से पहले आप आईलैंड को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आईलैंड को नेक्स्ट स्टेप में ओपन करिए। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, आपको व्हाट्सअप तो आप सभी इस्तेमाल करते रहेंगे ना, व्हाट्सअप की क्लियरिटी आपको तो मालूम ही होगी कि व्हाट्सअप पे क्विक कैप्चर होता है, अच्छे से अच्छी कैप्चर की अच्छी और अच्छी वीडियो भी हो जाती है उस पर बन जाती है, और उसके इमेज रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि व्हाट्सअप को ही ड्यूअल बना के ले लेना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको वीडियो बनाया था आपको पहले, तो आप उस वीडियो को देख के कैसे ड्यूअल बनाते हैं वो सब देख लीजिएगा। तो इसे मतलब करना क्या आपको कि इसे व्हाट्सअप को ड्यूअल कर लेना है, सर्च करके इधर से सर्च करना है आपको व्हाट्सअप, ये मेन लाइन पर जाके वही वीडियो में है, मेन लाइन पर जाइए और इधर सर्च कीजिए व्हाट्सअप, इधर दिखेगा आपको इधर की तरह। तो फिर व्हाट्सअप देखिए दोस्तों, इधर दिखा व्हाट्सअप, तो मैंने इधर एक ऑप्शन आया था जिससे प्लस नहीं क्या ड्यूअल ऐप बना दिया था उसे व्हाट्सअप को, तो आपको व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप करना क्या है कि जो आपने इंस्टॉल्ड व्हाट्सअप है उसे ओपन कर लेना है, जो अभी भी इंस्टॉल किया आपने वर्क मोड करके आएगा हो। दोस्तों इसकी क्लियरिटी देखिए दोस्तों, ये क्लियरिटी दिख रही होगी आपको इधर, इतनी बेहतर क्लियरिटी है। और उसको जो मैं अभी देखिए मैं प्रूफ करके बता देता हूँ इसे, अब जो देखिए दोस्तों जो मैंने खींचा वही सेम टू सेम डिटो सेम रेजोल्यूशन की इमेज आ गई है। और इसे करना क्या है आपको कि ये तो मैंने बता दिया इसकी क्लियरिटी, इसे आपको करना क्या है कि आपका दो एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सअप कर लेनी है, तो दो दूसरे व्हाट्सअप के से जैसे अभी इधर फोल्डर में मैंने दो कर लिया, एक मेरा ओरिजिनल है ये पहले का, और एक अभी भी बनाया जो है डुप्लीकेट, क्योंकि ये मैंने वीडियो के लिए बनाया और इमेज क्लियरिटी के लिए आपके लिए। तो फिर आपको करना क्या है कि आपका नॉर्मल न्यू मतलब ये पुराने व्हाट्सअप पे जाइए, हाँ अपना नाम वगैरह सर्च करिए, और उसी से अभी जैसे कि नोटबुक की फ़ोटो खींच रहे हो आप, तो फिर ये कैमरा ऑन करके फटाक से खींच के फ़ोटो अपने अपने खुद को ही भेज लीजिए दोस्तों, तो कैसा वो इमेज अपने आपके पास ही रहेगी और एकदम बेस्ट क्वालिटी में भी आ जाएगी, कैमरा ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैमरा एप्लीकेशन फ़ोन का कैमरा। तो दोस्तों कैसे लगी ये ट्रिक, ये ट्रिक मैं बहुत दिनों से जानता था और आपको बताने के लिए ये वीडियो लाई है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले ऐसी खास वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो धन्यवाद।